Good morning, my dear students. I welcome to you on this digital platform from Bangalore Public Secondary School, Badmer. As you know, in our last video, we started our new topic, determinants. And I explained some types of determinants with examples. So now we start with which type of determinants. So let us start with first type of determinant, that's named articles. What is the meaning of article and which types of articles in English grammar portion? So now we start with, there are three types of article. At first A, then N, and D. ये three types हैं इस articles के, जिसमें A और N और ये दी, इस ए और एन आर्टिकल को हम क्या बोलते हैं, इन डेफिनेट आर्टिकल। ये जो ए और एन है इनडेफिनेट आर्टिकल है, अनिश्चित। द जो होता है इसको हम बोलते हैं, द को क्या बोलते हैं, डेफिनेट आर्टिकल। अब इसका भी रीजन है कि इसको इनडेफिनेट और सुडेफिनेट क्यों बोलते हैं, इस ए और एन को इनडेफिनेट आर्टिकल और द को डेफिनेट आर्टिकल्स क्यों बोलते हैं, इसका भी रीजन है। इनडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित, डेफिनेट यानी निश्चित। अब फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सिंपल सा एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं। अब ये ए और एन किसके आगे यूज होगा, सबसे पहले हम आर्टिकल में ए और एन को पढ़ेंगे। ए और एन हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज होगा, है ना, एक वचन जो संज्ञा है गिनने योग्य उसके साथ हमेशा ए और एन यूज होगा। ये तीनों ही जो है सिंगुलर जो है आर्टिकल्स है, लेकिन ए और एन इंडेफिनेट थिंग्स के साथ और द डेफिनेट थिंग के साथ यूज होता है। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो सबसे पहले हम इस ए और एन का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने सिंपल सा एग्जाम्पल ले लिया, बुक, टेबल। बुक क्या है, काउंट करने पर सिंगुलर है, टेबल क्या है, सिंगुलर है, तो इसके आगे क्या यूज हो जाएगा, ए। अ बुक, अ टेबल, हमने सेंटेंस को पढ़े थे, ए लेटर, एक पत्र। तो कहने का मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ इस ए का यूज होता है, एन का यूज भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होता है। दोनों का यूज किसके साथ होगा, हमेशा इसका यूज होगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ इसका यूज होगा। अब सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज हमें समझ में आ गया कि सिंगुलर होगा तो उसका ए का यूज हो जाएगा, लेकिन ए का यूज हमें समझ में आ गया, एन का यूज किस तरीके से होगा वो थोड़ा समझना। हमें इंग्लिश के अंदर जो है ये फाइव वोवल है, इंग्लिश ग्रामर के अंदर ये फाइव वोवल है, ए ई आई यू, बाकी सारे क्या है, कॉन्सोनेंट्स है। तो ध्यान देना, इन वोवल से आगे हमेशा किसका यूज होगा, एन का। फॉर एग्जाम्पल जैसे एन, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, एन ऑरेंज, ठीक है, एन एलिफेंट, ठीक है। तो इन वोवल से आगे हमेशा कैसा यूज करेंगे, हम एन का यूज करेंगे, ठीक है। ये वोवल से ए आई यू, ठीक है, स्वर है इसका, कि हमने एन का यूज किया। चलो यहां तक भी ठीक है कि सिंगुलर के साथ हमेशा, ऑरेंज भी सिंगुलर है, एलिफेंट भी सिंगुलर है, लेकिन यहां पे क्या आ रहा है, ई आ रहा है, ओ आ रहा है, इसके लिए हमने क्या यूज किया, एन का यूज किया। चलो थोड़ा सा बेसिक कांसेप्ट याद रख, समझ में आता है आपको। लेकिन इसमें आपको एक चीज और ध्यान देनी है कि हमें हमेशा वर्ड के प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है। कैसे, थोड़ा समझते हैं एग्जांपल से।
देखो जैसे अब मैं एग्जांपल ले रहा हूं यहां पर एक यूनिट, बहुत ध्यान से समझना इस कंसेप्ट को। यहां पे ऑरेंज था, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको हिंदी में कैसे लिख सकता हूं, ऑरेंज। इस एलिफेंट को कैसे लिख सकता हूं, कैसे एलिफेंट, मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। लेकिन इस यूनिट को मैं कैसे लिखूंगा, इस यूनिट को मैं लिखूंगा यूनिट। अब जो मैं बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं वही है कि अगर वर्ड ए ई आई ओ यू से शुरू होता हो, ध्यान से सुनना, अगर कोई भी वर्ड जो सिंगुलर हो और वो ए ई आई ओ यू से शुरू होता है, तो मैंने आपको क्या कहा कि एन का यूज होगा। लेकिन इसमें एक और रूल आपको ध्यान देना है, क्या कि वर्ड तो ए ई आई ओ यू से शुरू हो रहा है, अभी यू है, तो नो डाउट इसका क्या लगना चाहिए, एन लगना चाहिए। लेकिन उसके साथ ही साथ इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं यहां पर एन लिखूं तो यहां पर यह एन गलत होगा, क्यों, ध्यान देना एक लाइन, ए ई आई ओ यू भी होना चाहिए और साथ ही साथ उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी कैसा होना चाहिए, स्वर का होना चाहिए। अगर स्वर का प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण जो है स्वर का आता है, तब हम उसमें किसका यूज करेंगे, एन का। और उच्चारण अगर व्यंजन का आता है तब उसमें किसका यूज करेंगे, ए का। बस ये इसका कंसेप्ट है, स्वर और व्यंजन का। हमें प्रोनाउंसिएशन देखना है उसका, उस वर्ड का, और उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, ये स्वर आता है प्रोनाउंसिएशन उसका, वो तो यूज होगा एन का। अगर उसका प्रोनाउंसिएशन व्यंजन आता है तो क्या हो जाएगा, ए का यूज। अब यहां पे क्या, यूनिट, नो डाउट ए आई यू दे रखा है, ठीक है, तो हमें एन का यूज करना चाहिए। लेकिन यहां पर यू है, यू यहां पर क्या है, हिंदी में देखा जाए तो ये व्यंजन है, यहां पर यू ये क्या है, व्यंजन है, ये क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहां पर एन का यूज नहीं होगा। किसका यूज होगा, ए का यूज होगा, ठीक है। कहने का ये मतलब है कि वर्ड का प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग हमें ए और एन का यूज करना है। उसके बाद और भी एग्जांपल हम लेके समझते हैं अच्छे से। देखो अब मैंने यहां पर लिखा है एमएलए और मैंने यहां पर लिखा है पीएम। अब अगर यहां पर मैं ब्लैंक स्पेस रखूं तो आप इसमें क्या फिलअप करोगे, ए फिलअप करोगे या एन फिलअप करोगे। देखो एमएलए को आप हिंदी में लिखो, कैसे लिखेंगे, एम एल ए, इसको आप लिखो पी एम। अब हमें क्या देखना है, हिंदी में जो इसका जो उच्चारण है क्या वो स्वर है, क्या वो वोवल उच्चारण है उसका हिंदी। अब देखो इसका फर्स्ट वर्ड क्या आ रहा है, ए, तो हमने पढ़ा होगा अ आ ई उ ए ऐ ओ, ये सारे क्या है, हिंदी के स्वर है। तो जब किसी वर्ड का स्टार्टअप हिंदी के स्वर से होता है तो हम इसमें हमेशा आगे क्या यूज करेंगे, स्वर आ रहा है तो यहां आ जाएगा एन। अब यहां भी एम है, मैंने आपको कहा था कि ए आई यू तभी एन का यूज होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो तो कंडीशन है कि ए आई यू दे रखा है तो लगभग हमेशा एन का यूज होता है। लेकिन उस ए आई यू के साथ उसका जो वर्ड का प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, स्वर से शुरू होना चाहिए, ठीक है ना, स्वर ध्यान रखना। तो एम है, इसका एम का ए आ रहा है तो ए यहां पर क्या है, स्वर है, और जब ये स्वर से शुरू हो रहा है ये वर्ड तो इसके आगे क्या जाएगा एन। अब देखो अब पीएम है, पी आ रहा है तो सीधा से इसका भी ए आ जाएगा, इस तरीके से। कहने का मतलब है कि हमें सिर्फ वर्ड को प्रोनाउंस करके देखना है कि प्रोनाउंसिएशन करने पर हिंदी में जब उस वर्ड को हम लिखते हैं और हिंदी में जब उस वर्ड को लिखते हैं तब क्या उसका पहला अक्षर जो है स्वर है। अगर उसका पहला अक्षर स्वर है तो चाहे यहां पर व्यंजन है चाहे वोवल है कोई फर्क नहीं पड़ता, सॉरी कॉन्सोनेंट है या वोवल है कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां पे एन का यूज होगा। यहां ये स्वर है ना, वोवल है तो यहां पे एन का यूज होगा।
यहाँ ये क्या है p, p इसमें आता है व्यंजन है तो यहाँ पे यूज होगा a का। इस तरीके से a और n का यूज हम जो है वर्ड का भी करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको द की यूज बताऊंगा। द थोड़ा सा बड़ा आर्टिकल है तो उसके एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग मैं आपको द का यूज बताऊंगा। और आप घर पे बैठ के जो है ए और एन की प्रैक्टिस सेट आप गाइड करके देख सकते हैं। आजकल तो फोन के अंदर यूट्यूब्स के ऊपर आप इसके आर्टिकल्स के जो है एग्जांपल्स देख सकते हैं। और कोई डाउट हो तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में डाल दो तो डाउट मैं क्लियर कर लूँगा। बस यही ध्यान रखना है कोई भी वर्ड हो उस वर्ड को आप हिंदी में लिख दो। जैसे इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है ना, जैसे एक एक्सेप्शन इसका है देखो एक एक्सेप्शन। अब जैसे ये मैंने लिखा होटल, हम इसके हिंदी में क्या लिखेंगे आप उसको ऐसे बोलते हैं होटल। इसको बोलते हैं हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल ठीक है। इसको हम होटल बोलते हैं, इसको हिस्टोरी को बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या रहा है ह आ रहा है, ह क्या है व्यंजन है, व्यंजन है तो इसका क्या आ जाएगा ही आ जाएगा है ना दोनों का भी। लेकिन अंग्रेजी जो है इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है वो होटल होता है। जब इंग्लिश में बोलते हैं प्योरली इंग्लिश से बोलते हैं तो ये इस तरीके से होता है होटल। और इसमें हिस्टोरिकल को अपन बोलते हैं हिस्टोरिकल। अब जब प्रोनाउंसिएशन इसका करते हैं तो प्रॉपर इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन होता है वो हिस्टोरिकल होता है। हिस्टोरिकल एच इसका जो है ऑटोमेटिकली साइलेंट हो जाता है। तो ये जब ई से शुरू हो जाएगा हिस्टोरिकल, ई से शुरू होगा तो ई यहाँ पर क्या है, ई यहाँ पर क्या है वोवल है, वोवल है तो यहाँ पर क्या जाएगा एन आ जाएगा दोनों जगह। तो ये कुछ एक्सेप्शन है जिसमें ए और एन दोनों का यूज होता है। यहाँ पर ए भी सही है और यहाँ पर ये एन भी सही है। तो कुछ कैसे एग्जाम, वैसे आपको एग्जाम में कभी एक्सेप्शन नहीं पूछा जाएगा पर आपके नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया कुछ कैसे वर्ड्स होते हैं जिसका प्रोनाउंसिएशन अपने अकॉर्डिंग अलग होता है और एक्चुअल के अंदर उसका प्रोनाउंसिएशन अलग होता है। उसमें ए और एन दोनों साथ में यूज होते हैं ठीक है। तो आप इसके एग्जाम्पल्स देख लेना, कोई भी डाउट हो तो कॉमेंट सेक्शन में डाल देना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको आर्टिकल द करवाऊंगा, इसमें सिंपल सा एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ मैं आपको। हमेशा उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करो और उस वर्ड को हिंदी में लिखो। उस हिंदी में लिखने पर अगर वर्ड का जो पहला अक्षर है अगर वो क्या हो वोवल हो स्वर हो तो उस वर्ड के आगे आप एन लगा दो। अगर स्वर नहीं है उस वर्ड का हिंदी में लिखने पर पहला अक्षर व्यंजन आता है कॉन्सोनेंट आता है तो उस वर्ड के पहले आप क्या लगा दो ए लगा दो। बस सिंपल सा एक इसका रूल है, ये समझ आ जाता है। तो ए और एन की यूज आप कभी भी लाइफ में गलत नहीं करोगे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम द यूज पढ़ेंगे। इसमें कोई भी डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू।